आज दूर भैया कि हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हाथी घोड़ा कोठा धरती धान ए मोर गंगा जी हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे खास प्रोग्राम में। पिछले साल आपने बीजेपी ज्वाइन की, आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन की? मतलब आपके नज़र में शायद कांग्रेस को भी आप उतना ही वैल्यू देती हैं, मतलब कांग्रेस के कुछ लोग या जेडीयू हुआ जैसे, लेकिन आपने बीजेपी पार्टी ही ज्वाइन की, इसके पीछे क्या रीज़न? क्या मोदी जी से अट्रैक्ट हुई है आप या कामों से? जी एकदम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा श्रद्धा करती हूँ और देशवासी ने उन पे आस रखा है। बीच में आसाम से खासकर हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके विरोध भी हुआ है, लेकिन बहुत सारी बातों को अलग अलग दिशा से देखने की बहुत ज़रूरत है और जहाँ गलती भी हो सकती है, ऐसा नहीं है सब। जैसे जहाँ तक पार्टीज़ की बात है ना, पार्टीज़ कांग्रेस हो, जेडीयू हो, हमारे असम में असम गण परिषद भी था, फिर बीजेपी, अलग अलग पार्टी ने हमेशा एक कॉमन फैक्टर है, वो है मेरा देश। हर किसी ने इस देश को सर्व किया है और उसमें मैं अलग कुछ नहीं पाती हूँ कि बीजेपी अलग कुछ है, लेकिन हाँ विचारधारा अलग है। जहाँ तक स्वराज की बात है, मैं लोक गायिका होने के नाते इस देश की जो स्वराज की तत्व है उस पर मैं विश्वास रखती हूँ और मुझे मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी स्वराज की भाव को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, तो मैं इसलिए बीजेपी में हूँ। वैसे आपको पसंद तो नेताओं में लालू प्रसाद यादव है, लेकिन आपने बीजेपी ज्वाइन की, वही तो मुझे समझ में नहीं आया। उनके बेटे तेजस्वी की पार्टी को नहीं किया? अभी देखिए, आप कहाँ से हैं? मैं फ्रॉम राजस्थान। राजस्थानी, और राजस्थानी मैं हूँ आसाम से, लेकिन हम दोनों मिलके अभी हमारे देश की बात कर रहे हैं ना, तो एक माने में आप जो पूरे देश की जो माला है उसमें अलग अलग मोती है, तो उस मोती में राजस्थान की तरफ से आप है, आसाम की तरफ से मैं हूँ, तो ये एक एक मोती फिर गांठ के एक माला बनेगा। तो लालू जी को मैं श्रद्धा करती हूँ और हो सकता है राजनीति की जो विचारधारा है उनसे मेरी अलग हो, लेकिन फिर भी मैं श्रद्धा करती हूँ। और उन्होंने हमारे भिखारी ठाकुर की जी जो नर्तक मंडली के जो भी सदस्य हैं अभी भी, उस वर्ग के लिए लालू जी ने बहुत कुछ किया है, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं हमेशा ड्राइवर से पहले बात करती हूँ, ये ड्राइवर के मन में क्या है, वो किसको चाहता है, मतलब राजनीति को लेकर उसके मन में क्या है, वो क्या बोल रहा है, मैं ये सब जो हमारा ये वर्ग है उनसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत बार अलग अलग विचारधारा निकल के आता है। आप जो मानते हैं हमेशा वही सच नहीं हो सकता, सबको सुनना पड़ेगा। तो कुछ काम उन्होंने किया है तो मैं उनको श्रद्धा करती हूँ, भिखारी ठाकुर जी के लिए उन्होंने किया है तो मैं श्रद्धा करती हूँ, बट एज अ होल जब इंडिया को देखने की बात आएगी तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुई है, आप आसाम से हैं, तो आप ऐसा क्या मुद्दा है जो आप चाहती है और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, जो सरकार की नज़र में आए, जो छुपा हुआ है आसाम में? आसाम में फ़िलहाल जो बिल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जहां ये कहा गया है कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए हुए हिंदुओं को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का एक मौका दिया जाएगा, और उसको लेके बहुत ज़्यादा अभी विरोध हुआ है, एक वर्ग ने बहुत विरोध किया है और एक वर्ग चुप है जो विरोध नहीं करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो वर्ग मतलब बहुत निकल के नहीं आए हैं। इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई थिंक बिल को तो सपोर्ट बहुत लोग कर नहीं रहे, लेकिन बिल अगर आए भी उसमें जो करेक्शन है उसको लेके लाया जाए और राज्य के हित में जो है, देश के जो हित में है वही डिसीजन लिया जाए। और इसको लेके मैं थोड़ी सी मैं खुद ही इसमें कंफ्यूज और ये हूँ, मैं बहुत कमेंट इस पर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उसको लेके आसाम के बारे में आपने कहा तो चिंतित हूँ और सरकार की उसमें भूमिका रहेगी। ठीक उसी तरह से मैं अगर कल्चरली देखूँ,
अपने हमारी जो पहचान है सांस्कृतिक रूप से उसको बांध के रखने के लिए शायद कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट भी है। तो लोग अपने आप को देखे ज़्यादा, अपने कल्चर को देखे ज़्यादा, सिर्फ भाषण से नहीं होगा या बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारना होगा कि मेरा बच्चा हिंदी कितना पढ़ रहा है, हिंदी में उसको लिखना पढ़ना आ रहा है कि नहीं, अपने लैंग्वेज वो इम्पोर्टेंट है, वो दिखता नहीं है क्योंकि इस देश में कल्चर को पहले पन्ने में स्थान नहीं मिलता है। आप प्रिंट मीडिया में भी अगर जाएंगे ना तो पहले पन्ने की खबर नहीं है, ये जो कल्चर है, संस्कृति है, साहित्य है, वो तीसरा चौथा पन्ना में है। लेकिन एक देश को और एक जाति को बांध के रखने के लिए पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक कल्चर है। सो इसको सीरियसली लेना है। चलिए, माहौल थोड़ा ज़्यादा ही कुछ सीरियस हो गया। इस देश की यही विडम्बना है कि चाहे कोई भी पार्टी आए, अलग अलग पार्टीज़ की आप बात करें, और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा, अगर राजनीति की आने की अगर एक प्रेरणा भी समझे अटल बिहारी वाजपेयी जी है, और वो लिख के गए थे ऐसा कुछ कि कौरव कौन पांडव कौन, ये बहुत एक टेढ़ा सा सवाल है। बोलते बोलते वो बोलते हैं कि कोई भी आए द्रौपदी का वस्त्र हरण होना ही है, कोई भी आए इस देश में रंग को हमेशा रोना ही है। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ऐसे ही हम आपको आगे भी ऐसे ही शख्सियत से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए नेशनल खबर। भैया ओ भैया मजदूर भैया, कि हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान, कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हाथी घोड़ा कोठा धरती धान ए मोर गंगा जी हो।